जामताड़ा जैक इंटरमीडिएट के परीक्षा में असफल हुए विद्यार्थियों ने समाहरणालय परिसर में जमकर हंगामा काटा। इस दौरान विद्यार्थियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान छात्र आकाश कुमार ने बताया, जब CBSE द्वारा सभी छात्रों को पास कर दिया गया है तो जैक द्वारा छात्रों को परीक्षा में क्यों अनुत्तीर्ण कर दिया गया? जब बिना परीक्षा लिए ही सभी को पास करना था तो फिर जैक द्वारा ये मनमानी क्यों की गई, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कहा कि छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों ने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर रिजल्ट में सुधार नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल के साथ सड़क पर उतरेंगे। पूछने पर क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी दीपक कुमार राम ने कहा कि इन लोगों की मांग को अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा ताकि उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सके। जामताड़ा से गौतम की रिपोर्ट। इसी पैटर्न में जब लोग एग्जाम नहीं हुए सारे विद्यार्थी पास हो गए तो जैक में ऐसा क्यों? आखिरकार जैक क्या चाहता है? जब अगर एग्जाम नहीं हुआ सारे लोग को प्रमोट कर दिया गया तो मुझे क्यों फेल कर गया? हाँ भाई, तो हम उनको बोले फोन से आश्वासन दी के बात तो सही आप बोल रहे हैं, तो बोले क्या करना है? तो हम भी अपने प्रदेश नेतृत्व को फोन किए कि भैया ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने बोले कि आप एक काम कीजिए, जैक तो ये मनमानी कर रही है, आप लोग एक काम कीजिए, एक कमेटी बना के विद्यार्थी परिषद उन छात्रों के साथ आज समारणा में जिला शिक्षा पदाधिकारी के ज्ञापन देंगी, और नहीं अगर हुआ 10 दिन के अंदर इन लोगों को सारे लोग को पास नहीं कर दिया जाए तो छात्र उग आंदोलन करने के बाद सड़क पे भी उतरेंगे, क्योंकि ये जैक की मनमानी है, ये नहीं चलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी साजिश के तहत है, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्र इसमें अपना मतलब कि क्या बोलते हैं इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को टूट जाएंगे कि क्या वो ट्वेल्व पास नहीं कर पाए। और ऐसी लाचार व्यवस्था है राज्य में सरकार की कि सरकार में आप देख सकते हैं सरकार के कैबिनेट में ऐसा शिक्षा मंत्री है कि जो कि खुद 12 बार फेल है, तो ये सब नहीं चलेगा। झारखंड में छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। हेमंत सर्वन, जैक के द्वारा जो परीक्षा घोषित की गई है कुछ छात्र उसमें असफल भी हुए हैं, तो असफल छात्र चाह रहे हैं कि रिजल्ट संशोधित हो और जो फेल कर गए हैं उनको पास घोषित किया जाए क्योंकि एग्जाम हुआ नहीं है। इस बेसिस पर वो डिमांड कर रहे हैं कि सबको पास किया जाए, और अगर एग्जाम देने की बात होती है तो जो भी अभी एग्जाम एडमिशन का प्रोसेस चालू हुआ है चांसलर पोर्टल के द्वारा उसको स्थगित किया जाए। तो हम इनकी जो मांग है उसको हम अभी रख लिए हैं, इसको हम आगे फर्दर कार्रवाई करते हैं। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।